साइबर के ठगों ने पूरे गांव को ठगा। खबर यूपी के गोंडा से है। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। गांव में कार से चार व्यक्ति पहुंचे और ग्रामीणों के खाते से लाखों रुपए अंगूठा लगवाकर निकाल लिया। डेढ़ दर्जन से अधिक ग्रामीण ठगी का शिकार हुए हैं। यह ग्रामीण दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और बेहद गरीब हैं। गरीबों के खाते से 1,000 से 5,000 रुपए तक ठगों ने उड़ा लिए। कार से गांव में पहुंचे चार लोगों ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताया। ठगों ने ग्रामीणों से आधार कार्ड लेकर व अंगूठा लगवाकर खाते से रुपए निकाल लिए। बैंक जाने पर ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी हुई। अब थाने में सूचना दी है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, यह साइबर क्राइम है। आप इसकी शिकायत साइबर सेल में करिए। लेकिन आपको बता दें, ठगी जैसा अपराध थाना उमरी बेगमबंज क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन थाने के माथत अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं गरीब आदमी इंसाफ के लिए थाने का चक्कर लगा रहा है। यह पूरा मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के बरौली ग्राम पंचायत का है। वहीं जब ये पूरा मामला मीडिया में पहुंचा, तब जिले के एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कराई जा रही है, जल्द ही ट्रैक कर गिरफ्तारी की जाएगी और गरीबों का पैसा वापस दिलाया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? विजय पाल। क्या मामला हुआ? मामला जी, एक गाड़ी लेके आया चार आदमी और ये गाड़ी खड़ी करके और यहाँ पासबुक और आधार कार्ड ने मांगा कि मोदी जी आपका लोगों को मदद कर रहे हैं, कार्ड बनेगा दवाई का, 5 लाख रुपए आप पाओगे और आप सब आधार कार्ड पूरे गांव का आदमी जुट के हमारे पास ले आओ, सबके अंगूठा दस्तखत होगा और एक हफ्ता के बाद 15 दिन के बाद लगभग आपकी कार्ड आ जाएगा, सबके फ्री में दवाई होगा। तो ये कौन लोग थे, कुछ मालूम है? नहीं मालूम जी, ये कोई मालूम नहीं था। वो चार आदमी ने मास्क लगाया था मुँह पे और आप पहचान में नहीं आ रहे थे, जो वही अपना उठा दस्तखत कराते रहते और सब लोग का मतलब पूरे गांव का पैसा ले गए जी। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? बरौली मौजा कोलरी हन्ना। तो आपने इसकी शिकायत कही की जी? बरौली ग्राम सभा में कोलरी एक मजरा है, इनमें सूचना मिली कि कुछ लोगों का आधार के जरिए पैसा निकाल लिया गया था। तो यहाँ पे आके देखा गया तो पता चला कि कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के चक्कर में कुछ लोग आए हुए थे जो इन लोगों का आधार से अंगूठा लगवा के पैसा निकाल लिए हैं। और इसकी सूचना इन लोगों को मिली जब बैंक जाके चेक कराए अपना अकाउंट, उसमें पता चला किसी के खाते से 1,000, किसी के खाते से 4,000, किसी के खाते से 5,000, ऐसे करके पैसा निकाल लिया गया। कुछ पैसा आपके खाते से निकाल गया है, कौन लोग निकाले हैं, क्या मामला, पूरा मामला बताइए। कहाँ से आया रहा, चार जने मार्शल लेके और 4,044 रुपया रहा, कहीं आधार लेके आओ, बैंक कापी लेके आओ, बैंक कापी ला आधार लेके आन, कहीं उठा लगाओ मोदी, वो दवाई 5 लाख का कार्ड बना रहा, फ्री में दवा होगी, कोई बीमार होएगा तो हम कहें ठीक है, लिया आए थे लेके आए, बस वो सारा पैसा निकाल लिया, फिर काल गए। सर, उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है कुछ लोगों से, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह की कार्रवाई? मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और इस पर अभी बात करके और कार्रवाई की जाएगी। जो लोग दोषी हैं उनके सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा भी पता लगा जाएगा कि इनका कोई गिरोह चल रहा है, और गिरोह अगर चल रहा है अभी इसमें पूरा पुलिस पूरी जांच करेगी, ये तो अभी मीडिया के द्वारा संज्ञान में किया गया, अभी मैं पता करता हूँ कि कितनी और किस स्तर की ये धोखाधड़ी है और उसी हिसाब से उसकी कार्रवाई। थैंक यू।